एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। डीवी पंडाल के पास बोरी में पक्षी का मांस मिलने से बनी तनावपूर्ण स्थिति, पुलिस ने कराया मामला शांत। टीकमगढ़ नगर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब डीवी पंडाल के पास एक प्लास्टिक की बोरी में एक पक्षी का मांस देखा गया, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनने लगी और जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उनके द्वारा उस बोरी को जब्त किया गया, साथ ही इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। इसके मामले की गंभीरता को समझते हुए उनके द्वारा पब्लिक को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत कराया गया। साथ ही उक्त स्थान को फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी डलवाया गया, इसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा भी पुलिस की सूझबूझ की तारीफ की गई। उनके द्वारा मामला शांत कर दिया गया। साथ ही उनके द्वारा मांग की गई कि नवरात्रि के समय तक मांस मछली की दुकान बंद रखी जाए, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल आगे कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। बता दें कि यह मामला टीकमगढ़ नगर के मामून दरवाजा स्थित देवी पंडाल का है, जहां पर तकरीबन 7 बजे एक टू व्हीलर गाड़ी से एक बोरी घसीटते हुए देवी पंडाल के पास छूट गई। इसके बाद उस बोरी में देखा गया तो एक पक्षी का मांस दिखाई दिया। उसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर मामले को समझा और तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए और मामले की जांच की जा रही है। आप सीसीटीवी वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह वो बोरी गाड़ी घसीटते हुए वहां पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और शहर शांतिपूर्ण बनाया है। एनटीवी टाइम के लिए तुषित सरोटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलेश सोटमालिया, बजरंग दल जिला से। आज क्या मामला सामने आया? मामला सामने आया, कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी लगी थी कि यहाँ पे कुछ पशु पक्षी द्वारा पशु पक्षियों के यहाँ पे पंख वगैरह डले मिले थे। जब हम यहाँ पे आए तो पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे मोर्चा संभाला गया और सहयोग भी किया गया कि जो जमीन थी यहाँ पे ये सब चीज़ें डली हुई थी, अब उसको शुद्ध करवाया गया, पानी से छिड़काव कराया गया। और बाकी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं ये आदेश जारी किया था कि खुले में मांस मछली ना बेचे, लेकिन हमारी माता का आराधना के दिन चल रहे हैं, शुभ दिन चल रहे हैं, तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि 9 दिन कम से कम 9 दिन मांस मछली खुले में ना बेचे और पूर्णतः बंद रहे। अगर पूर्णतः बंद नहीं रहती है, बजरंग दल को अच्छे से आता है सेवा सुरक्षा संस्कार का काम करना और बजरंग दल खुद मोर्चा संभालेगी। क्या हो गया था मामला और क्या है? ये अभी पुलिस को सूचना मिली कि कोई एक बोरी पड़ी है, बोरी में से कुछ पंख वंख मुर्गी इत्यादि के बाहर निकले हुए हैं, तो तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया। मौके से आके जो पड़ा हुआ था सामान कचरा उसको तत्काल छुपवाया, सुरक्षित जगह छुपा दिया और तत्काल FIR करी गई है इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध। इसमें जो भी चीज़ें CCTV देखे जा रहे हैं, अगर इसलिए कोई जानबूझ के अगर ऐसा किया होगा तो उस पर हम तत्काल उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें FIR भी हमारे द्वारा कर दी गई है। अब तक क्या निकल के आया सामने? अभी तक ये तो CCTV पूरे देखने पड़ेंगे, डिटेल CCTV, क्योंकि अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं इस घटना को, CCTV लगातार देखे जा रहे हैं और इसमें FIR कर दी गई है। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि देखा गया है शहर में जगह जगह मांस मंडी की दुकानें लगी हैं और खुले में मांस बेचे जा रहे हैं, नहीं उसके लिए तो प्रतिबंधित है, खुले में मांस को कहीं बेचा जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसमें भी हमारे द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और अभी वर्तमान में भी SDM साहब द्वारा इसका संज्ञान लिया जाकर आगे अभी वर्तमान त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए मांस मछली इत्यादि की बिक्री अभी नहीं की जाएगी। सर CM के आदेश के बाद भी सर अभी भी मांस मंडियों में सर के नाम खुले में मांस बिक रहा है वो लगातार, यहाँ पे जितने भी खुले में मांस की शिकायत हमारे पास आई है हमने उसमें कार्रवाई की है और अगर अभी और शिकायतें आएंगी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। हम लगातार संज्ञान ले रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ निकल रहे हैं। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।